मैं जरा आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलती हूँ। अनुराग ठाकुर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। और अगले 7 दिनों में बाकियों से वोट भी मांग लेना और 1 तारीख को सब कमल का बटन दबाकर मुझे अपना सांसद और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना देना। साथियों एक बात कह रहा हूं, 500 साल में जो कोई नहीं कर पाया आपकी वोट की ताकत ने करके दिखाया है। मोदी जी ने हमारी भावनाओं का सम्मान रखते हुए अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर बनाया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंत में आखिरी नारा और फिर मैं अपना स्थान ले रहा हूं अमित भाई के स्वागत के लिए। एक बार फिर स्वागत है जी, स्वागत है, 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 स्वागत है जी, स्वागत है। भाई और बहनों में जब से राजनीति में आया अमित भाई का आशीर्वाद सदा बना रहा। पिछली बार भी मेरे चुनाव में आकर अमित भाई ने आशीर्वाद दिया था और इस बार इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद आपने बाकी जगह छोड़कर मुझे आशीर्वाद देने आए, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ आपका आशीर्वाद लेने के लिए। भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण में अनुच्छेद 370 को समाप्त करके एकीकृत भारत के निर्माण में और मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के ध्येय को पूर्ण करते हुए नागरिक समान आचार संहिता को लागू करने वाले देश के ऐसे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह जी से मेरा निवेदन है कि आप आए और अपने शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित भाई शाह जी, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। आदरणीय गृह मंत्री जी, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, अंब हरिम हमीरपुर वालों को क्या होगा है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अनुराग को फिर से जिताना है या नहीं जिताना है? तो भले लोगों ऐसी आवाज नहीं चलती, दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री राजीव बिंदल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी श्री अनुराग ठाकुर जी, ताली बजाओ भाई अनुराग के लिए। कूटलेहड़ से हमारे विधानसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी भुट्टो जी, गगरेट से श्री चैतन्य शर्मा जी, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सारे नेतागण, श्रीमान सतपाल सिंह सत्ती हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं,
और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले चिंतपूर्णी मां को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये देवभूमि में स्थित सभी देवी देवताओं को घसोतेश्वर महादेव मंदिर, माता नैनो देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, बाबा बालकनाथ का स्थान, ये सभी सिद्ध स्थानों को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, आज 6ठे का वोटिंग चालू है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310। और एक 6ठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। तो भाइयों बहनों, 400 पार की जिम्मेदारी किस पर है? ये 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना। भाइयों बहनों, हमारा तो 400 पार हो रहा है, राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं, 40। और हमारे 3 विधानसभा के प्रत्याशियों को जिता दो, यहां पर भी कमल फूल की सरकार बनेगी। बनानी है या नहीं बनानी है? जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? अगर कमल फूल की सरकार बनानी है, ऊपर और नीचे दोनों जगह हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताना है, ये याद रखना। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं, तब हमीरपुर वालों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं देश भर में अनेक जगह पे सभा करने जाता हूं, तब कहते हैं कि अमित भाई, हमारे सांसद को मंत्री बना देना, सारे देश भर में कहते हैं। मगर हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं, युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरे साथ काम किया, क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया, और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात। जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विशेषकर देश भर के युवाओं को भाजपा के साथ लामबंद करने का काम हमारे अनुराग ठाकुर ने किया। खेल के क्षेत्र में भी अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान है, जतन कर रखना, बहुत बड़ा नेता आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। हमीरपुर वालों, आज हमीरपुर का भर भर कर विकास हुआ। वैसे भी मोदी जी
हिमाचल के लिए कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। हिमालय हिमाचल पर मोदी जी का बड़ा प्यार है भाइयों, बड़ा प्यार है। कई बार तो हमारे गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है कि मोदी जी गुजरात के हैं या हिमाचल के, इतना प्यार करते हैं। और अनुराग जी ने भी बड़े प्लानिंग के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। 10,000 करोड़ से कीरतपुर नहर चौक फोर लेन रोड, 1300 करोड़ से हमीरपुर मंडी खंड का चौड़ीकरण, 1200 करोड़ से हमीरपुर धर्मपुर मंडी हाईवे, 870 करोड़ से लठियाणी मंडली पुल बनाया, 350 करोड़ से कंदोर हमीरपुर का चौड़ीकरण, 1000 करोड़ से बिलासपुर लेह रेलवे लाइन, 2000 करोड़ से बल्क ड्रग पार्क लाकर पूरे हिमाचल का विकास का काम। तो हिमाचल के हमीरपुर में हुंकार भरते हुए अमित शाह को आप सुन रहे थे। मोदी सरकार के दौरान जो काम हिमाचल के लिए हुए उन्हें अमित शाह गिना रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।